किसान भाइयों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे देसी खेती जुगाड़ चैनल में। आप लोग कैसे हैं कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि आपकी सेहत मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी सेहत के ही लिए मैं आया हूं आज बाराबंकी अपने घर से 200 किलोमीटर दूर। और यहां आया हूं मैं, आप देख सकते हैं आगे पीछे मेरा स्ट्रॉबेरी का ये खेत है। और एक ये ऐसी खेती है जो कि पैसा तो देती देती है, साथ में एक आपका स्टेटस बहुत अच्छा मेंटेन करती है। लेकिन हम इसमें आपको, कई किसान भाई हैं जो कि डरते हैं खेती इसकी कैसे की जाए कैसे नहीं की जाए, इसकी पूरी जानकारी आपको बोने से लेकर के हार्वेस्टिंग तक की जानकारी आपको मैं दूंगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, इसको कब लगाना चाहिए, कब इसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, इसकी मार्केट क्या है, इसके इसको पैकिंग कैसे किया जाता है, क्योंकि बिना पैकिंग के आप इसको बेचना आपके लिए मुश्किल है। तो मैं आज इसी चीज़ पे फोकस करते हुए वीडियो को मैं आप बहुत इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो किसान भाइयों चलता हूँ मैं आपको, पहले तो मिलाऊंगा यहाँ के जो हमारे किसान भाई हैं उनसे, उसके बाद फिर जो इसको पैकिंग मटेरियल या जो भी पौधे उपलब्ध कराते हैं उनसे मैं मिलाता हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको सबसे पहले मिलाता हूँ यहाँ के किसान। ये हमारे बीच में सूरज जी आए हैं, ये हमारे साथ ही आए हुए हैं, हमारे बगल के रहने वाले हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ और किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आप उतनी दूर से मेरे साथ क्यों आए हैं। मैं मानता हूँ मैं वीडियो बना करके किसानों को जागरूक करने के लिए आया हूँ, लेकिन आप किस लिए आए हैं सर? देखिए सर जी, पहली बात तो हम भी एक किसान हैं जी, और उन्नतशील किसान हैं, उन्नतशील किसान हैं जी। तो हम इसीलिए आए हैं क्योंकि ये हमारे यहाँ भी इसकी खेती नहीं होती, मतलब हमारे प्रतापगढ़ में जी हाँ लोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं हाँ। तो अब है जी हैं जी, जी भाई साहब हैं जी, इन दोनों लोग एक अनुभवी स्ट्रॉबेरी के किसान हैं जी जी। तो मैं इनसे बहुत कुछ सीखने आया हूँ जी, तो इसलिए मैं आपके साथ आया हूँ जी जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आपको परिचय कराते हैं हमारे किसान भाई, क्या नाम है सर आपका? पंकज, पंकज वर्मा, पंकज वर्मा। तो आप अपना छोटा सा सर परिचय दीजिए, फिर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा कि हमारे किसान भाई इसको कैसे करें कैसे न करें खेती, क्योंकि सबके मन में बड़ा उहापोह होता है, खास करके पूरे ऑल ओवर इंडिया में कई जगह इसकी खेती की जा सकती है। तो सर आप पहले अपना छोटा सा परिचय दीजिए। सर मेरा नाम पंकज वर्मा है जी, मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ जी, ठीक है जी जी। हैदर सफदरगंज बाराबंकी के रहने वाले, सफदरगंज बाराबंकी। तो ये बताइए पंकज जी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि एक एकड़ से आपके ऊपर का खेत है ये जी, इसमें आपने कितने पौधे लगाए हैं? इसमें पौधे लगाए हैं 24,000। 24,000 पौधे लगे हैं, और एक पौधा आपका कितना खर्च लगता है लगाने से लेकर के खाद पानी लेकर के? खाद पानी तक लेकर के मान के 22 से 25 रुपये। 22 से 25 रुपये। तो जब इसकी हम तैयार हो जाती है, सब पूरी फसल तैयार होती है, तो क्या आपने 22,000 लगाया तो 22,000 पौधे रह जाते हैं? इसमें अनुमान तो है कि नुकसान नहीं होगा जी, लेकिन फिर भी मैं देख पा रहा हूँ कई जगह जो है मोर्टिलिटी हुई है, कुछ पौधे बीच बीच में नहीं है, तो क्या रीजन क्या रहा है इसका? रीजन जो लोग लगाए हुए हैं जी, मतलब जितनी जानकारी हमको तो इतने में तो लग रहा है कि मतलब नुकसान नहीं होगा, भले फायदा नहीं। नहीं, मेरा मकसद क्या था पूछने का सर, 22,000 पौधे लगाए हैं, आपके पास कितने बचे होंगे? 20 तक बचे होंगे? नहीं, 20-21 मान के चलिए, 20-21, चलिए मैं 20 मोटा माटी मानता हूँ। तो एक पेड़ का जो है जब आप फल तोड़ते हैं पूरे सीजन में, तो लगभग 2.5 से 3 महीने तक तोड़ाई करते हैं इसकी, तो 3 महीने में इसकी एक पेड़ में कितनी तोड़ाई हो जाती है? लमसम 1 किलो के आसपास। 1 केजी? 1 केजी। और 1 केजी क्या रेट जाता है इसका? अरे लमसम यही मान के चलिए 150-200 रुपये किलो आसपास। चलिए मैं 150 रुपये मानता हूँ। किसान भाई इस चीज़ को नोट डाउन करिएगा, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कितना फायदा कितना नुकसान, मेरा मकसद केवल ये आपको बताना है कि अगर आप इस खेती को करते हैं तो किस तरीके से करना है। आपके मन में पहले ये होने चाहिए कि इसको हम कितना फायदा पा सकते हैं, कितना नुकसान हो सकता है। तो एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि जब आपने इसको लगाया तो कोई तो होगा जो आपको इंस्पायर किया होगा कि आप ऐसे लगाएं, ये दवा डालें, ये करें वो करें, कोई है आपके साथ ऐसा? नहीं है, पौधा मंगवाए थे, मतलब एक लोग जानकारी दिए थे जी, मीनापुर के जी, उन्हीं से जानकारी मिली है जी जी, तो बोले कि लगा दिया तो हाँ, तो मन सोचे तो लगाए हो आप? तो पहली बार फसल तैयार की हो? पहली बार। तो जैसे हम एक जानित है, जितना हमका जानकारी है, आप तो कहो 1 किलो टूटत है, लेकिन हमारे हिसाब से हमें 1 से 3 किलो तक टूटत है।
क्यों अभय जी सही है सर ऐसी बात, लेकिन वो तो भाई कंडीशन पे डिपेंड है ना कि जी कंडीशन क्या सर, है थोड़ा आप इधर आइए सर, सर उसके ऊपर आधारित ना पैदावार, बाकी मिनिमम एक किलो से लेकर तीन किलो तक हो सकता है, एक किलो से तीन किलो तक। तो अगर हम मान के चलते हैं दो किलो तो हाई है पंकज जी दो, लेकिन हमारे यहाँ मैंने बोल दिया कि पाँच किलो होगी। नहीं नहीं वो बोलना नहीं है, नहीं नहीं वो नहीं बोलना है, मोटेस मिसाल जी इतनी बताओ कि मतलब जितनी सबसे कम पैदावार। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी आपने जो बात कही है कि अगर हम एक पौधे में 100 रुपया बचा लेते हैं तो इसका 22,000 जो पौधा है 22 लाख रुपए हम बचाते हैं। हाँ, बस इतना, बस 22 लाख रुपए बचाते हैं एक हेक्टेयर में, एक एकड़ में, सॉरी एक एकड़ में 22 लाख रुपए आप बचा सकते हैं जितना खर्च लगने के बावजूद। अब आती है पैकिंग की बात इसकी, कि पैकिंग मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो सर जैसा कि आपने कहा है कि आपको पैकिंग मटेरियल ऑल ओवर इंडिया में जिसको भी चाहिए वो आपको कॉल करे, फोन पे करे, आप उसको भेज देंगे। तो पैकिंग मटेरियल का सर आप थोड़ा सा बताइए कि हमको एक केजी के लिए कितना खर्च आता है। एक केजी पे मांग के चलिए, इसका जो डिब्बा आता है जी बड़ा वाला बॉक्स, जिसमें जो है 8 डिब्बी रखी जाती है छोटी जी, वो भी हमारे पास यहाँ है। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, उसको मैं आपसे छोटा वीडियो इसमें ऐड करूंगा। हाँ, तो ये बताइए सर कि वो एक केजी में 8 डब्बा डाला डाला जाए। 8 डब्बे होते हैं 200 ग्राम की, 200 ग्राम, 250 ग्राम की, 250 ग्राम, 200 से 250 ग्राम लगभग। तो 2 केजी का डब्बा पैक, 2 केजी का डब्बा। तो सर 2 केजी में टोटल खर्चा कितना आएगा किसान का? खर्चा लगभग मांग के चलिए 42 रुपए से 45 रुपए लगभग, 42 से 45 रुपया 2 केजी के पीछे, मतलब 2.5 रुपए पर केजी आपका पैकिंग का भी खर्च आएगा। हाँ, है ना, बिल्कुल। तो ये निकालना पड़ेगा। देखिए किसान भाई, अगर केवल हम फायदा ही जोड़ लेते हैं तो हमको नुकसान भी बताना है, उसमें जो खर्च लगने वाला है वो भी बताना है। तो आपको कौन मिला के अगर 150 रुपए केजी मिनिमम बिकता है तो आप 50 रुपए खर्च ऊपर का निकाल दिए तो 100 रुपए पर पेड़ इसमें आप बचा सकते हैं। क्यों सर? और इसके ऊपर आपका अगर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, तो जानकारी के लिए मान लीजिए पंकज जी का भी नंबर मैं डालूंगा, आपका भी नंबर डालूंगा, आप किसानों को सजेस्ट, आपने वादा किया है सर आप मदद करेंगे हमारे किसान भाइयों की, ठीक है। पैकिंग और दुकान मत देखिए, आपकी दुकान है, आप पैकिंग है, ठीक है, लेकिन आप किसानों की एज एग्रोनॉमिस्ट भी मदद करेंगे। बिल्कुल मदद करते हैं हम लोग हमेशा। जी जी, तो किसान भाइयों जैसा कि हमारे नॉलेज के अनुसार मैं इतनी दूर आपके पास आपके लिए आया हूँ, 200 किलोमीटर आपके पास आपके मतलब आपके लिए आया हूँ, और अपनी बाइक से आया हूँ, मेरी बाइक देख सकते हैं वो खड़ी हुई है, ठीक है, मैं बाइक से आया हूँ। किसान भाइयों अगर वीडियो में कोई कमी होती है आप मुझको कॉल करें, आप मैसेज करें, कमेंट करें, और जो भी चीज़ है आप चाहें तो आपसे भी पूछ सकते हैं। आपका भी मैंने नंबर डाल दिया है, डिस्प्ले पर चल रहा है, और आपका भी नंबर चल रहा है, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसान भाइयों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देता रहूँगा। नमस्कार, जय जवान जय किसान।